बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस एसी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। यह स्टेशन 4,200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे तैयार करने की कुल लागत 314 करोड़ रुपए बताई गई है। इस रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। अब आपको एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तरह रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह एसी की सुविधा से लैस मिलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। इस रेलवे स्टेशन पर 50,000 लोगों तक की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस नए टर्मिनल पर एक फुट ओवर ब्रिज और दो सबवे भी है जो सभी प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर 7 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। इसके अलावा स्केलेटर्स और लिफ्ट्स की भी सुविधा है। इस स्टेशन से हर दिन 50 ट्रेनों की आवाजाही होगी। इस रेलवे स्टेशन पर वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है, जहां लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। लाउंज में टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम TIS की भी व्यवस्था होगी और इसके साथ ही एक शानदार फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां आप अपनी इच्छा का खाना और नाश्ता खा सकते हैं।